हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मिस मेकअप फ्रॉम डिसेंट ब्यूटी सैलून। आज है हमारा थर्ड डे ऑफ फेशियल। आज भी मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त वाइटिंग फेशियल लेके आई हूँ, और ये आज का फेशियल वाइटिंग के साथ साथ एंटी एजिंग भी है। ठीक है, ये डॉक्टर राशिल का वाइटिंग फेशियल है। तो ये एक मैंने फर्स्ट डे आपको वाइटिंग फेशियल हुदा का बताया था, और आज ये थर्ड डे आपको मैं वाइटिंग फेशियल बता रही हूँ। ये स्पेशल 30+ के लिए एंटी एजिंग फेशियल है। ठीक है, लेकिन एंटी एजिंग का मतलब ये नहीं कि इसको सिर्फ एंटी एजिंग या बड़ी एज के लोग ही यूज़ कर सकते हैं, इसको सब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक होता है कि स्पेशलाइजेशन जो होती है ना, वो एंटी एजिंग वाले जो है ना, इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने फर्स्ट फेशियल वाइटिंग के लिए दिया था, तो मैंने सोचा कि अक्सर कमेंट्स आने शुरू हो जाने हैं कि एजिंग वाले लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज का मैंने जो है ना फेशियल स्पेशल एजिंग वालों के लिए ये लाया है। आपके सामने मैं इसका रिव्यू भी करती हूँ, आपको देती हूँ, और आपको इसका मेथड भी सिखाती हूँ। और ये नहीं कि मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, मैं इसको पहले यूज़ कर चुकी हूँ पहले अपने सैलून पे। एक दफ़ा ये ख़त्म करके मैं ये दूसरी दफ़ा ये फेशियल लेके आई हूँ। इसका बहुत अच्छा वाइटिंग ग्लोइंग में रिजल्ट है। 6 स्टेप्स हैं इसके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसके 6 स्टेप्स हैं ये है हमारे पास। इसमें पहले यहाँ पे आया है स्किन पॉलिश, ये है मसाज क्रीम इसका, एप्रिकॉट स्क्रब है इसमें, ये मड मास्क है, ये है इसका डबल एक्शन, और ये है इसका कोकोनट स्क्रब। अब हर फेशियल में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, 6 स्टेप्स ही निकलते हैं, और हर फेशियल में जो है ना एक दो एक्स्ट्रा चीज़ अंदर दी होती है। किसी में डबल एक्शन, ट्रिपल एक्शन, क्लिंजिंग, इस तरह 2 से 3 दिए होते हैं। अब इसमें इन्होंने स्क्रब जो है ना वो 2 किस्म के दिए हैं। एक ये एप्रिकॉट स्क्रब है इसमें, और एक इसमें ये कोकोनट स्क्रब है। ठीक है, अब एक फेशियल में 2 स्क्रब तो नहीं चलते, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। आपको इस दोनों में से जौन सा अच्छा लगे वो एक फेशियल में यूज़ कर लें, एक आप वैसे रख लें अपने हैंड फीट पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या आप लोग एक स्क्रब को वैसे रूटीन में हफ्ते में एक दफ़ा कर सकते हैं। फेशियल तो नहीं इतनी जल्दी करते, फेशियल तो आप लोग मंथली कर सकते हैं। जो 20+ लोग होते हैं ना, वो महीने में जो है ना 1 टाइम फेशियल लिया करें, बहुत जल्द फेशियल ना लिया करें। जो 30+ लोग होते हैं वो 20 से 25 दिन बाद भी एक फेशियल जो है ना ले सकते हैं। ठीक है, और जो टीनेजर्स गर्ल्स होती हैं उनको मैं रेकमेंड करूंगी कि वो स्पेशल इस तरह के फेशियल ना करें, वो होम रेमेडीज़ करें। या टीनेजर्स जो बची हैं वो, उनके लिए भी मैं होम रेमेडीज़ भी दूँगी जो घरेलू चीज़ों से फेशियल होती है, और उनका भी रिज़ल्ट आपको इन चीज़ों के, इस प्रोडक्ट के मुताबिक ही मिलेगा। या टीनेजर्स जो बच्चियां हैं वो सिर्फ डेली अपनी स्किन को क्लीन कर लिया करें, रात को जब सोते हैं अपनी आप स्किन को अच्छी तरह क्लिनजिंग करें अपनी स्किन की, और सर्दियों में मॉइस्चराइज़ करें अपनी स्किन को, तो उनकी स्किन इतने से ही ग्लो करने शुरू हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहला स्टेप होता है क्लिनजिंग का। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास इसका डबल एक्शन है क्लिनजर, इन्होंने भी डबल एक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये खोलते हैं हम। इसकी बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट भी है, कलर भी है, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, और इनका काम भी अच्छा है। ये देखें, ये मैं सबसे पहले डबल एक्शन क्लिनजर जो है ना वो अप्लाई कर रही हूँ अपने हाथ पे, और ये देखें ये इंस्टेंट ग्लोइंग और वाइटिंग फेशियल है। एक तो होता है ना कि हम सिर्फ नाम दे रहे हैं वाइटिंग फेशियल का, इसके ऊपर बकायदा लिखा भी गया है इसका काम इंस्टेंट ग्लोइंग है आपको देना। ठीक है, ग्लोइंग और वाइटिंग फेशियल है। ये मैंने अपने हाथ पे लगाया, इसका भी सबसे पहला काम क्लिनजिंग करना है, आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन करना है, फेशियल के लिए यूँ समझें कि तैयार करना है। ठीक है, जब आप अपनी रफ स्किन, गंदी स्किन पे कोई भी चीज़ मास्क वगैरह अप्लाई करें, तो उसका कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिलता, कोई फ़ायदा नहीं मिलता।
बल्कि उल्टा अगर गंदी स्किन पे हम स्क्रबिंग वगैरह कर दें, उसको क्लीन ना करें, तो वही हमारी डस्ट जो स्किन के ऊपर होती है, वो उसकी वजह से स्किन पे दाने पिंपल्स वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं क्लिंजर लगाया हुआ है मैंने, तो आपको मैंने बताया हर फेशियल में कि क्लिंजिंग के साथ आपको रोज़ वाटर या पानी का स्प्रे ज़रूर करना है। ये मैंने अभी रोज़ वाटर का एक स्प्रे किया है, और आपको 3 मिनट 4 मिनट अपने फेस की क्लिंजिंग करनी है। क्लिंजिंग करें, स्क्रबिंग मसाज पूरे फेशियल में आप जो भी काम कर रहे हैं, बस आपने अपने हाथ को सॉफ्टली चलाना है, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना। फेशियल को आप लोग जितना सॉफ्ट हैंड से आराम आराम से करेंगे, उतना फेशियल का रिजल्ट अच्छा आएगा। बल्कि आप तो जिससे भी फेशियल करवाएं, मैं तो कहती हूँ उसके हैंड चेक करें, सॉफ्ट हैंड वाले से फेशियल करवाएं, जिनके हाथ यहाँ से ये चीज़ बहुत सख्त और रफ नज़र आ रही हो, उसके हाथ से फेशियल नहीं करवाना चाहिए। ये देखें, 1-2 मिनट आपने करना है, 3 मिनट कर लें, ये क्लिंजिंग आपने करनी है। ठीक है, तो फिर आपने इसको रिमूव कर देना है। अब मैं इसको रिमूव करने लगी हूँ। ये देखें, अब क्लिंजिंग मिल्क रिमूव कर दी है मैंने। अब सेकंड स्टेप जो होता है ना, वो है स्क्रब का। ठीक है, लेकिन स्क्रब से पहले मैंने आपको पहले भी हर फेशियल में बताया है कि कुछ लोग ब्लीच अप्लाई करते हैं। ठीक है, स्किन पॉलिश कह लें, उसका एक स्टेप लगाते हैं, कुछ लोग ब्लीच करते हैं, कुछ पार्लर्स में फर्स्ट पे ब्लीच कर देते हैं। ठीक है, आज मैं आपको थोड़ा सा चेंज मेथड बता रही हूँ। सेकंड स्टेप स्क्रब का होता है। अब मैं स्क्रब नहीं लगा रही, मैं आज यहाँ पे ब्लीच की जगह जो इसमें बनी बनाई स्किन पॉलिश है ना, मैं उसका मसाज करके आपको दिखाती हूँ। ये इस स्टेप में लोग ब्लीच करते हैं, मैं आपको ये जो बनी बनाई इसमें स्किन पॉलिश है ना, मैं उसी का मसाज करके दिखा रही हूँ। इसके बाद हम स्क्रबिंग करेंगे। ठीक है, ये देखें, इसको भी आपने अपने चेहरे पे जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही आपने उसको लेना है। इसमें चाहे आपको अगर ज़रूरत लगे पानी की या रोज़ वाटर की, तो आप मिक्स कर लें। अगर आपका फेस इतना ड्राई नहीं, तो आप इसको वैसे ही आराम से इसका 5 मिनट आप इसका मसाज करें। आप ऐसा करें, 5 मिनट मसाज टोटल, आप इसको 5 मिनट टाइम दें, 2 मिनट आप इस तरह इसको मसाज करें, और फिर 3 मिनट आप इसको छोड़ दें, और उसके बाद आप इसको रिमूव करें। ये स्किन पॉलिश है, और ये वो स्किन पॉलिश है जो आपके बाल ब्राउन नहीं करेगी, सिर्फ आपके कलर को हल्का सा फेयर कर देगी। तो इसलिए मैंने कहा हर स्टेप में मैंने जो है ना फेशियल के इसको स्किप किया है, स्किन पॉलिश को। ये आप पे, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आपको अगर अच्छा लगता है ये वाली स्किन पॉलिश इसके अंदर यूज़ करना, तो आप कर लें। अगर कुछ लोगों को नहीं पसंद, मुझे ये इतनी खास नहीं पसंद होती, मैं फेशियल के दौरान पार्लर पे जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मैं उनको फेशियल के दौरान ये बनी बनाई स्किन पॉलिश नहीं करती, मैं खुद से बना के स्किन पॉलिश जो होती है ना वो लगाती हूँ। उसको रिमूव करने के बाद मैं स्क्रब वगैरह करती हूँ। ठीक है, इसको आप 2 मिनट ऐसे करें मसाज, फिर आप 3 मिनट छोड़ दें, उसके बाद आप रिमूव कर लें। ये मैं इसको अभी रिमूव कर देने लगी हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। आप लोग जब अपने फेस पे करें, तो इनको पूरा टाइम दे दीजिएगा। अब इससे अगला हमारा स्टेप है स्क्रब का। ठीक है, अब इसमें दो स्क्रब हैं हमारे पास, एप्रिकॉट स्क्रब भी है और कोकोनट स्क्रब भी है, आपको जो अच्छा लगे। मुझे एप्रिकॉट पहले भी 2 फेशियल में मैंने यूज़ किया, मैं इसमें कोकोनट स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये स्क्रब लिया है। स्क्रब के साथ तो पानी हर हाल में चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि इसको हार्ड जब भी हो जाए तो इसको इस्तेमाल नहीं करना, वरना स्किन पे जो है ना रैश आने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही इसको अप्लाई करें, और इसके साथ ही रोज़ वाटर का आप स्प्रे कर लें। और स्क्रब करते वक्त
सेंसिटिव स्किन पे आप खास तौर पे ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा हार्ड हार्ड नहीं करना, आपने सॉफ्ट सॉफ्ट आपने करना है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप सिर्फ दो मिनट जो है ना स्क्रब करें। अगर नॉर्मल स्किन है आपकी तो फिर आप जो है ना इसको 4 मिनट 5 मिनट कर सकते हैं। इसमें एक और है, अगर आपकी स्किन, आजकल विंटर है सर्दियों में, अगर आपकी स्किन रफ है ड्राई है तो आप यहाँ स्क्रब में इसके साथ विटामिन ई ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन स्मूथ हो जाए। क्योंकि अक्सर रफ और ड्राई स्किन पे जब हम फेशियल करते हैं फेस पे, अगर उसमें सीरम्स और ऑयल वगैरह ना यूज़ करें तो उसका उतना रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता जितना नॉर्मल स्किन पे मिलता है। क्योंकि हर फेशियल में जो है ना हमें रिज़ल्ट में ग्लो और वाइटिंग चाहिए होती है। तो जो रफ स्किन हो ड्राई स्किन हो उस पे अगर हम डायरेक्ट सिर्फ ये फेशियल का प्रोडक्ट ही इस्तेमाल कर दें तो उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। नॉर्मल स्किन पे आप इसी को एज इट इज़ जैसे फेशियल में जो प्रोडक्ट है वैसे ही यूज़ करें। अगर आपकी स्किन कुछ एक्स्ट्रा ड्राई है तो आप इस स्टेप में जो है इसके साथ विटामिन ई एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप जो हम विटामिन ई के कैप्सूल जो यूज़ करते हैं फिर आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कैप्सूल दिखा देती हूँ, ये हमारे पास जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, अगर आपकी स्किन रफ है तो फिर आप एक कैप्सूल जो है वो इस दौरान आप इस स्क्रब में एक कैप्सूल काट के इनके साथ ही मिक्स करके तो फिर मसाज करें फेस पे। आपने 4 से 5 मिनट करना है, सेंसिटिव स्किन पे सिर्फ 2 मिनट करना है। मैं इसको रिमूव करने लगी हूँ। ये मैंने स्क्रब रिमूव किया है, अब मैं इस पर मसाज क्रीम अप्लाई करने लगी हूँ। ये देखिए इसकी मसाज क्रीम नज़र आ रही है, कितनी खूबसूरत देखने में लग रही है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छी है। ये मैं मसाज क्रीम लगाई है मैंने, ठीक है। अब मैं इसका मसाज करने लगी हूँ। मसाज क्रीम में आपने ना ही कोई वाटर, ना ही रोज़ वाटर, ना ही कोई टोनर, कुछ भी इसमें मिक्स आपने नहीं करना। मसाज क्रीम को आपने एज इट इज़ ही लगाना है और मसाज शुरू कर देना, ठीक है। और इतनी देर करना है, 10 मिनट कम से कम आपको हर फेशियल में जो मसाज क्रीम होती है उसको लगाना है, मसाज करना है और इसको आपने स्किन में जज़ब करना है, ठीक है, मसाज के साथ जज़ब करना है। और ये मसाज क्रीम इतनी अच्छी मसाज क्रीम है, इसकी मुझे पसंद है। आप सिर्फ ये नहीं कि इसको फेशियल में इस्तेमाल करें, इसके अलावा भी आप अपने चेहरे पे जब फ्री हो आप हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा आप अपनी स्किन की क्लिनजिंग करें और इस मसाज क्रीम का मसाज करें। आप इसको एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी मसाज क्रीम है। आप अपनी रात को स्किन का क्लिनजिंग करें स्किन की और ऊपर से इस क्रीम से मसाज करें, रिमूव करें और सो जाएं। आप नाइट क्रीम लगाते हैं तो बाद में नाइट क्रीम भी लगा लें। ये देखें इसका मसाज करना, इतना मसाज करना है कि ये जज़ब हो जाए हमारी स्किन में। ये देखें हल्का हल्का जज़ब हो गया। आप जब चेहरे पे कर रहे होंगे पूरा 10 मिनट इसको टाइम लगाएंगे तो ये अच्छी तरह जज़ब हो जाएगी सारी मसाज क्रीम आपकी स्किन में। ये देखें काफ़ी जज़ब हो गई है। ये जज़ब हो गई टोटल। अब इसको हमने रिमूव नहीं करना, साफ़ नहीं करना, इसके ऊपर ही हमें जो है ना, ये देखें अभी मेरा मुकम्मल नहीं हुआ, अभी मैंने 1 मिनट सिर्फ सारी चीज़ें 1-1 मिनट लगा के तो मैं हटाती गई हूँ। तो ये देखें मेरी फिंगर्स में और जिस जगह मैं लगा रही हूँ चीज़ें उसमें कितना फ़र्क आ रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा हो कैमरा में तो। ये मेरे दूसरे हाथ के साथ भी देखें, अब मैं इस पर लास्ट स्टेप जो हमारा मास्क है वो लगाने लगी हूँ।
इसके मास्क अप्लाई कर रही हूँ। मास्क आपको मैंने सारे बताए हैं, एक ही तरीके से लगाने होते हैं, बस मास्क की आपने ज़रा लेयर देनी होती है अच्छी खासी, बहुत ज़्यादा पतला पतला नहीं करके लगाना होता आपने, सही इसकी जो है ना थिक लेयर लगानी होती है। ये देखें ऐसी लेयर आप लोगों ने भी अपने फेस पे लगानी है, ठीक है। और लेयर आपने ऐसे लगा के तो आपने अपने फेस को छोड़ देना है आराम से, आप आंखें बंद करके लेट जाएं या आप चेयर पे हैं तो टेक लगा लें। आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना है जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। जब ये ड्राई हो जाए तो फिर आप इसके ऊपर रोज़ वाटर का स्प्रे करेंगे, इसको हल्का सा 1-2 मिनट के लिए रब करेंगे और फिर हटा देंगे। स्पंज से वाश कर लें, सादा पानी से धो लें या आप स्पंज से इसको रिमूव कर लें तो आपका फेशियल डन। उसके बाद आप रोज़ वाटर का एक स्प्रे कर लें तो आपका फेशियल कंप्लीट हो गया। अभी मैं वेट कर रही हूँ ये थोड़ा सा ड्राई हो रहे तो फिर इसको रिमूव कर देती हूँ। ये देखिए मेरा इतना ये ड्राई नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ 1 मिनट लगा हुआ है, 1 मिनट रखा है इसको लगा के, तो मैं इसको ऐसे ही रिमूव करने लगी हूँ। आप लोग जब ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो ये ड्राई हो जाएगा, फिर आपने इसको पानी का स्प्रे करके रोज़ वाटर का तो फिर उतारना है। मैं इसको ऐसे ही उतार रही हूँ। फेस पे आपको जितना मेरे हाथ पे तो ज़ाहर है मैंने 1-1 मिनट रखा है, पूरा टाइम नहीं दिया। आप जब फेस पे करेंगे पूरा टाइम देंगे और फेस की स्किन तो वैसे भी जो है ना हैंड की स्किन से काफ़ी फ़र्क होता है, नरम होती है, ठीक है। तो आप लोग जब फेस पे करेंगे आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा इसका। ये देखिए हमारा फेशियल डन। अब मैं इस पर स्प्रे एक रोज़ वाटर का कर रही हूँ, तो ये देखें इसको भी अब्जॉर्ब होने देना है आपने। देखें टैप टैप करें ज़रा हल्का हल्का, बस ये स्किन में जज़ब हो जाए। तो ये था हमारा फाइनल रिज़ल्ट। और ये देखें हैंड पे अगर इतने से टाइम में अगर फ़र्क आ रहा है तो जब आप फेस पे करेंगे तो उम्मीद रखें कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलने वाला है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।